विवाह केवल दो लोगों को ही नहीं अपितु दो परिवारों को जोड़ता है। ऐसे में वर कन्या के दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से विवाह से पूर्व दोनों परिवार के लोग वर वधु की कुंडली मिलान करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसका महत्व कम हो गया है। वर वधु एक दूसरे को पहले से ही पसंद कर लेते हैं और बिना कुंडली मिलाए ही विवाह का फैसला ले लेते हैं, जिस कारण कुछ परिस्थितियों में विवाह के पश्चात उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके घर में भी किसी का विवाह होने जा रहा है और आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली होती क्या है और कुंडली मिलान के समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यक्ति की कुंडली उसके राशि के नाम, समय, जन्म स्थान आदि के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली मिलान से यह भी पता लगाया जा सकता है कि लड़का और लड़की विवाह के पश्चात एक दूसरे के साथ भाग्यशाली और सुखद जीवन व्यतीत करेंगे या नहीं, या फिर एक के ग्रह दूसरे के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। कुंडली में मुख्य रूप से 8 गुणों का मिलान होता है, जैसे गण, ग्रह मैत्री, नाड़ी, वैश्य, वर्ण, योनि, तारा और भकुट। इन्हीं सब को मिलाकर कुल 36 अंकों के गुण बनते हैं और इनमें से जितने ज्यादा गुण लड़का लड़की के मिलते हैं उतना ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुंडली मिलान के इन 36 गुणों से कम 18 गुण वर वधु की कुंडली में मिलना जरूरी होता है। कुंडली का मिलान करते समय एक और बात ध्यान में रखी जाती है कि अगर लड़की की कुंडली में बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक गुण लड़के की कुंडली से ज्यादा अच्छे होते हैं तो दोनों के गुणों का मिलान अच्छा नहीं होता, और इसी के साथ अगर लड़की की कुंडली में पारिवारिक सुख लड़के की कुंडली से अधिक है तो दोनों के गुणों का मिलान अच्छा होता है, जिससे उनके पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। कुंडली मिलान के समय कुछ विशेष योग का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे लड़के की कुंडली में बहुविवाह योग, विदुर योग और मार्ग भटकने का योग देखा जाता है। बहुविवाह योग में कुंडली के द्वारा यह देखा जाता है कि लड़के के जीवन में एक से अधिक विवाह ना हो। विदुर योग में देखा जाता है कि लड़के का उसकी पत्नी के साथ कैसा संबंध होगा, दोनों के मध्य कोई कलेश या भेदभाव के ग्रह तो नहीं बन रहे, या फिर लड़के की अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मार्ग भटकने का अर्थ है कि लड़का भविष्य में गलत काम जैसे जुआ, शराब, असत्य, व्यभिचार जैसे मार्गों का अनुसरण ना करे, अन्यथा लड़की का जीवन बहुत कठिन होगा। यदि कुंडली में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो विवाह में कठिनाइयां आती हैं। वहीं लड़की की कुंडली में वैधव्य योग, विषकन्या योग और बहुपति योग देखे जाते हैं। वैधव्य योग में देखा जाता है कि दोनों में से किसी की भी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। फिर यह देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में विषकन्या योग ना हो, क्योंकि इस योग के कारण लड़की सुखी नहीं रह पाती, उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य आते ही रहते हैं। बहुपति योग में देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में एक से अधिक विवाह ना हो। इसके समाधान के लिए लड़की का विवाह पहले किसी वृक्ष से करवाया जाता है, जिससे इस दोष का निष्प्रभाव किया जा सके। यदि आपके घर में भी किसी का विवाह होने जा रहा है तो उनका कुंडली मिलान अवश्य करवाएं और कुंडली मिलान करवाते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।